2023 के एक और शानदार मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये शानदार मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुंबई ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया और वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 199 रन बनाए और मुंबई इंडियंस ने 16 ओवर की 3 बॉल में 200 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस शानदार मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से भयंकर बल्लेबाजी देखने को मिली है, जहां पर सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा 68 रन की पारी ग्लेन मैक्सवेल ने खेली। उसके बाद फेब डु प्लेसी ने 65 और दिनेश कार्तिक ने 30 रन की शानदार पारी खेली और वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे ज्यादा 83 रन की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली। उसके बाद निहाल वधेरा ने 52 और ईशान किशन ने 42 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन बदकिस्मती से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस शानदार मुकाबले के बाद आईपीएल के पॉइंट टेबल में खलबली मच गई है, जहां पर मुंबई इंडियंस को फायदा तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भयंकर झटका लगा है। दोस्तों हम आपको आईपीएल की पॉइंट टेबल की पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आईपीएल के पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आखिरी यानी कि 10वें पायदान की, जिस पर दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के 8 पॉइंट्स हैं और वही नेट रन रेट -0.529 है। दिल्ली कैपिटल्स को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 4 मुकाबलों में से लगातार 4 मुकाबले जीतने होंगे, तभी कहीं जाकर के दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं 9वें पायदान की, जिस पर सनराइजर्स हैदराबाद बनी हुई है। हैदराबाद ने भी दिल्ली कैपिटल्स की तरह 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के 8 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.472 है। हैदराबाद को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 4 मुकाबलों में से लगातार 4 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 8वें पायदान की, जिस पर अब पंजाब किंग्स आ चुकी है। पंजाब ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के 10 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.441 है। पंजाब को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 7वें पायदान की, जिस पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनी हुई है। बेंगलोर ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलोर के 10 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.345 है। बेंगलोर को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 6वें पायदान की, जिस पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स आ चुकी है। कोलकाता ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के 10 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.079 है। कोलकाता को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें पायदान की, जिस पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है। राजस्थान ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के 10 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.388 है। राजस्थान को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 4थे पायदान की, जिस पर लखनऊ सुपर जायंट्स आ चुकी है। लखनऊ ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 5 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ के 11 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट की बात करें तो लखनऊ का नेट रन रेट 0.294 है। लखनऊ को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे। अब बात करते हैं 3रे पायदान की, जिस पर मुंबई इंडियंस आ चुकी है। मुंबई ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के 12 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.255 है। मुंबई को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से लगातार 2 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 2रे पायदान की, जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई है। चेन्नई ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के 13 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.409 है। चेन्नई को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पहले पायदान की, जिस पर गुजरात टाइटंस बनी हुई है। गुजरात ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 8 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात के सबसे ज्यादा 16 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.951 है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात ने पिछले मुकाबले को जीत कर प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को एक ही समीकरण में, जिसमें पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर 13 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद मुंबई इंडियंस तीसरे पायदान पर 12 पॉइंट्स
पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। चौथे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स 11 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स पांचवे, छठवे, सातवें और आठवें स्थान पर 10-10 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। और आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स नवे और दसवें पायदान पर 8-8 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। दोस्तों यही था आज की आईपीएल के पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। दोस्तों अगर आप भी आगे आने वाले आईपीएल की पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन सी दो टीमें फाइनल्स में क्वालिफाई कर पाएंगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।